दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों का फिल हो रहा, आप सभी को पता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो चलिए हम आते हैं, और जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन भी कर दिया गया है, पीजी सेमेस्टर वन सेशन 2023-25 और सेमेस्टर थर्ड सेशन 2022-25 के बारे में, ठीक है। पेमेंट आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद दोस्तों एक लिंक मुझे मिलेगा, तो चलिए आते हैं। इंपॉर्टेंस लिंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म का जो पेमेंट है उसे मैं करके आपको दिखाऊंगा, तो उसे क्लिक करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक नया टैब आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम एक नए टैब को क्लिक करते हैं और इस टैब पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फॉर्म नंबर यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर आपके कॉलेज वाले आपको दे देंगे, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना, लेकिन फॉर्म नंबर में 23 रहेगा, तो 23 को हटा करके जितना भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चर, इस कैप्चर को यहाँ पर डाल करके सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इन तमाम डिटेल्स को हम भरते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 23 था आगे में 11 के आगे, ठीक है। तो 23 को मैंने हटा दिया, उसके बाद जो भी नंबर है मैंने डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मैंने सेलेक्ट किया, ये कैप्चर मैंने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किए होंगे वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया यदि आपका पेमेंट कट जाता है तो 48 घंटे के बाद ही आपको दोबारा से पेमेंट करने के बारे में मेंशन किया गया, और 7 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को जो है पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड हो पाएगा। लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा पूरा डिटेल्स आ चुका है। और यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट के नेम, और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन किया गया, कॉलेज भी मेंशन किया गया, और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं एग्जाम टाइप में पीजी रेगुलर यहाँ पर मैंशन कर दिया गया। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो पेमेंट का भी ऑप्शन मुझे देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं एमकॉम सेमेस्टर थर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया, और नीचे में सब्जेक्ट में कॉमर्स मेंशन किया गया। थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे 900 रुपया यहाँ पे पेमेंट करने के लिए मेरे को बोला जा रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए पेमेंट वाला भी ऑप्शन मुझे दे दिया गया। मैं क्या करूँगा, पे नाउ वाला जो बटन दिया गया इस पर मैं क्लिक करूँगा और हम आपको पेमेंट करके दिखाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मुझे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मुझे देखने को मिलना चाहिए, वैसा तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया, नेट बैंकिंग का भी दिया गया, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि आपको यूपीआई के माध्यम से आपको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट फंसने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट करना है, तो चलिए यहाँ से हम कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कार्ड डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद मंथ एक्सपायरी डेट CVV भर के कार्ड नेम भर करके पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मैंने भर रखा। अब मैं क्या करूँगा, पेमेंट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और आपको सब कुछ लाइव ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पे नाउ वाला बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने पे नाउ वाला बटन पे मैंने क्लिक किया, कुछ ही देर में हमारा जो है पेमेंट गेटवे देखने को यहाँ पर मिलेगा। सर्वर थोड़ा सा स्लो होने की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए हमारा यहाँ पर पेज यहाँ पर आ चुका है पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं 900 रुपया आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर OTP को मुझे डालना रहेगा, तो चलिए OTP को डाल देते हैं और आपको लाइव पेमेंट करके दिखा देंगे। तो दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहां पे अपना OTP को हम भर चुके हैं, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका, हमारा पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना रहेगा और एक एग्जामिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करना रहेगा, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा पूरा का पूरा डिटेल्स आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और वहीं पे आपको यदि एग्जामिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आपको इस बटन पे आपको क्लिक करना है। दोनों पर एक एक करके हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का क्या कुछ होता है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करने वाला बटन पर मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, और किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस वजह से मैं किसी का जो डिटेल्स है उसे मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद डिटेल्स आपको मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म जो है हमने जो पेमेंट किया वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आपको कॉलेज वाले यदि फॉर्म नंबर नहीं देंगे तो आपको कॉलेज में ही पेमेंट करना होगा, जो कि कैश भी ले सकते हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा भी पेमेंट चार्ज कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा जो भी आपका चार्ज लग रहा है उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना, यदि ज़्यादा लिया जा रहा है तो आप लोग कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, इस कॉपी को निकलवा लेना और आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, और कॉलेज में जाकर के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने पे ही आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। जो भी अपडेट आएगा, ठीक है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और जो भी कमेंट आपको करना है उसका रिप्लाई भी आपको फास्ट रूप में मिलेगा अदर चैनल के अपेक्षा में, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए।